बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 8 में खुश आमदीद। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई से यहाँ पर मुराद हैं दो मैट्रिसेस, कि एक मैट्रिक्स एक्स है उसे भी मालूम करना है, दूसरा मैट्रिक्स वाई है उसे भी फाइंड करना है। और इन दोनों मैट्रिसेस को फाइंड करने के लिए हमें हिंट्स ये दी हुई हैं कि इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 360-1। अब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की मदद से हमें मैट्रिक्स एक्स को अलग से फाइंड करना है और मैट्रिक्स वाई को अलग से फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखें, एक्स प्लस वाई भी एक मैट्रिक्स के बराबर है और एक्स माइनस वाई भी एक मैट्रिक्स के बराबर है। हम इन दोनों से दो इक्वेशंस बनाएंगे। कि देखें, गिवन हमारे पास ये है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन वन का। दूसरा हमारे पास है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 360-1, इसे नाम देते हैं इक्वेशन टू का। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि हम इन दो इक्वेशंस को एक दफ़ा ऐड करेंगे और दूसरी दफ़ा किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स भी आएगा और वाई मैट्रिक्स भी आएगा। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं कि एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। अब इक्वेशन को ऐड करने का मेथड ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं राइट हैंड साइड के साथ। तो पहले इक्वेशन वन हम लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। फिर इक्वेशन टू भी इसी सीध में लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के नीचे और राइट हैंड साइड लिखेंगे राइट हैंड साइड के नीचे 360-1। इन दोनों को हमने करना है ऐड। तो सबसे पहले देखें, ये मैट्रिसेस की जो एडिशन है ये एडिशन उसी पुराने तरीके से होगी जिससे हम पहले ऐड करते आ रहे हैं कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, तो 5 + 3 बराबर होगा 8 के। फिर सेकंड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, तो 2 + 6 इज आल्सो इक्वल टू 8। फिर थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। देन फोर्थ एलिमेंट प्लस फोर्थ एलिमेंट, 9 + -1 इज इक्वल टू 8। तो मैट्रिसेस की एडिशन से हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आया है 8808। प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों एक दूसरे के साथ कट गए, एक्स प्लस एक्स ये बराबर होगा 2x के, तो 2x इज इक्वल टू 8808। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो इस एक्स के साथ जो 2 है इसको लेकर हम जाएंगे दूसरी साइड पर, तो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये राइट हैंड साइड पे जाकर बन जाएगा 1/2 इनटू 8808। अब इस 1 और 2 को मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले 1 और 2 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8/2, फिर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 फिर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0/2, फिर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8/2।
This implies that x is equal to first 8 by 2 is equal to 4, second 8 by 2 is equal to 4, 0 divided by anything is equal to 0, and 8 divided by 2 is equal to 4. तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x और y की, तो जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया हमारे पास वैल्यू आ गई है x की. अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. देखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 मतलब पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 1, जिस से माइनस करना होता है उसे पहले लिखना पड़ता है आसानी के लिए, और जिस को माइनस करना होता है उसे बाद में लिखना होता है. तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन 2 को लिखेंगे बाद में, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1. अब देखें जिस को माइनस करना है उसके हर टर्म का साइन चेंज करेंगे. x के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस चेंज होगा प्लस में, और इस मैट्रिक्स से पहले साइन माइनस का लगेगा. जब यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाले मैट्रिक्स से, इक्वेशन 1 के मैट्रिक्स से इक्वेशन 2 के मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन देखते हैं. देखें फर्स्ट एलिमेंट 5, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3, तो दरमियान में सब्ट्रैक्शन है इसलिए हम करेंगे 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. इसके बाद सेकंड एलिमेंट 2 और इक्वेशन 2 के मैट्रिक्स में सेकंड एलिमेंट 6, 2 माइनस 6 इक्वल टू -4. इसके बाद 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. देन इन लास्ट 9 माइनस -1, 9 माइनस -1 ये 9 प्लस 1 होगा और 9 प्लस 1 बराबर होगा 10 के. तो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से जब दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया है 2 माइनस 4 0 10. अब लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करते हैं कि प्लस एक्स माइनस एक्स ये दोनों कट गए, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, तो 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 10. अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो 2 है इसको हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो बिल्कुल यही सिचुएशन बनेगी जो पहले x के केस में बनी थी. तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 था ये, दूसरी साइड पे जाके 1 और 2 होगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय, वी हैव द न्यू मैट्रिक्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 4 0 10. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अब इस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट के साथ, तो 1 और 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इसे बन जाएगा 2 बाय 2. फिर जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो ये बन जाएगा -4 बाय 2. फिर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, एंड इन लास्ट 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड x एंड y. x यहाँ पर फाइंड हो गया, x इक्वल टू 4 4 0 4,
और y लास्ट में फाइंड हुआ, y इज इक्वल टू 1 माइनस 205। और इसी के साथ ही हमारे आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 23 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे इसी एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।